नमस्कार सर, मैं सुरभि मिश्रा अजमेर श्याम कॉलोनी वैशाली नगर से हूँ। 360 डिग्री इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से एक छोटी सी एक शुरुआत करी हुई है। जैसा कि नाम से ही मालूम है कि सारी चारों तरफ से जो हाथ का काम होता है उसको मैं यहाँ पर प्रमोट करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। मेरी एक छोटी सी एक पहल है कि जो महिलाएं हाथ के काम करना जानती हैं, पुरानी जो हमारी कलाएं हैं, ऊन सिलाई का काम है, क्रोशिया का काम है, नए नए तरीके के काम महिलाओं को अपने पुराने ज़माने के जो भी हैं वो करने आते हैं, उनको मैं प्रोत्साहित करती हूँ और उनका बनाया हुआ काम को मैं गवर्नमेंट एग्जीबिशंस के अंदर प्रमोट करती हूँ। इसके साथ ही एक छोटा प्रयास है कि जो महिलाएं अकेली रह गई हैं किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो जिन्होंने शादी नहीं करी है लेकिन वो अकेले एक उम्र के पड़ाव पे आ गई हैं, तो एक अकेलापन जो होता है वो बहुत परेशानी का एक कारण बन जाता है, हमारे यहाँ दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती है। उसमें उन महिलाओं को उनके इंटरेस्ट का काम हम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि भाई अपने मन का काम आप करें, उसमें जो हाथ की कला होती है वो बहुत अच्छे से उभर के आती है। उसमें मैं उनको एनकरेज करती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ कि किसी तरीके से वो काम करें जिससे कि उनका दिमाग उसमें व्यस्त रहता है और वो कंफर्टेबल फील करती हैं। वो चीज़ बनती भी है कोई तो उसको वो मेरे को देती हैं, मैं यहाँ पर एग्जीबिशन के द्वारा उनकी हाथ की बनाई हुई चीज़ों को प्रमोट करती हूँ। ये मेरा एक थोड़ा सा प्रयास रहता है जिससे उनको चार पैसे भी मिलते हैं और उनका मन भी लगता है। इसी के साथ साथ हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जैसे कि अभी हमने साल अपनी ये राखियों का हमने शुरुआत किया, जैसे खरबूजे के बीज की राखियाँ बनाई हैं हमने, है ना, इस तरह से महिलाओं के लिए भी बनाई हैं, भैया भाभी की राखियाँ बनाई हैं, कई तरह का हमारे पास ये प्रयास किया है हमने। तो इसमें एक भावना ये रखी गई है कि जब हम राखियाँ खरीदते हैं, बहनें राखियाँ खरीदती हैं, बड़ी भावनाओं के साथ खरीदी आती हैं, बड़ा सिलेक्शन होता है। उसके बाद ये होता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है, उसके बाद वो राखी का अंत जो होता है या तो वो किसी कोने में पड़ी हुई मिलती है या फेंक भी दी जाती है, कई बार फेंक भी जाती है। तो ऐसे ही मैंने कई बार ये नोटिस किया है, फेंकी हुई राखियों को देख के बड़ा मन दुखी हुआ। तो उस चीज़ से वहाँ से मैंने एक चीज़ शुरुआत करी कि कुछ ऐसी चीज़ बनाएंगे जो कि पर्व के बाद भी काम आए किसी के। तो ये विचार रख के हमने दानों का ये प्रयोग किया और बीजों का ये प्रयोग किया कि ये राखियाँ बनाई गई हैं जो कि रक्षाबंधन की पर्व की शोभा भी बढ़ाएंगी और रक्षाबंधन के बाद इनको जो है हम चिड़ियाओं के दाने के रूप में इनको रख दिया जाएगा जिससे कि चिड़ियाओं का पेट भरेगा। इसमें मौली का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये मौली का हमारे सबके जीवन में एक स्थान, पूजनीय स्थान रहा है हमेशा से। तो इसको ज़मीन में कम से कम हम फेंकेंगे नहीं, फेंकने नहीं देंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, ये इस साल के लिए हमारा रक्षाबंधन के लिए ये हमने नया अपना सोचा है। हर बार कुछ ना कुछ नया हम विचार लाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जो महिलाएं हैं ये मैं कुछ सैंपल बना के देती हूँ, फिर वो उसको कॉपी करते हैं, बनाते हैं, समय भी कटता है, गर्मी इतनी तेज़ है कहाँ जाएंगे, घर में बैठे बैठे हम ये काम करते रहते हैं। तो हमारा ये अगस्त तक का ये टारगेट जो है हमारा बन जाता है। हमने यहाँ पर अजमेर के अंदर जब युवा जागृति संस्थान की ओर से एक वर्कशॉप हमारे लिए, सेमिनार वगैरह तैयार की गई, लगाई गई थी, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। काफ़ी कुछ चीज़ें आती थी लेकिन फिर भी वहाँ जाके लगा कि कुछ चीज़ें अभी भी नहीं जानकारी थी। हम लोगों ने वहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल वगैरह बनाई थी अपनी, ONDC का सारा उसमें हमने सीखा था भाई कैसे उसमें हमको बढ़ावा मिलेगा हमारी चीज़ों को। तो ये करते हुए हमें बहुत अच्छा उसमें अनुभव रहा हमारा, और नाबार्ड के द्वारा ये जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं ये सराहनीय हैं। और हम जैसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा ना तो हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, नहीं है हमारे पास बहुत ज़्यादा साधन, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। नाबार्ड का और ONDC का हमारे को तहे दिल से, युवा जागृति संस्थान के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।